आइए आज हम सूट या ब्लाउज के लिए बाजू काटना देखते हैं। ये हमने ब्लाउज काटा था, उसका बचा हुआ कपड़ा है ये। इसमें से हम बाजू निकालना देखते हैं। तो जो हमने ब्लाउज बनाया था वो 34 इंच बस साइज़ का बनाया था हमने। अब हम इसी की बाजू निकालेंगे। बाजू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जितना हमारा चेस्ट हो उसका 1/4 कर लीजिए। जैसे कि 34 का 8.5 हो गया 1/4, और उसमें 1.5 इंच प्लस कर लीजिए यानी कि 10 इंच। इस तरीके से हम डबल में 10 इंच कपड़ा मोड़ के ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मोड़ के हमने 10 इंच इसकी गोलाई ले ली है। ये डबल में रखा है कपड़ा हमने। अब हम क्या करेंगे, इसकी कितना लंबी बाजू रखनी है वो देख लेते हैं। हमें 5 इंच लेनी है तो हम 5.5 इंच ले लेंगे। आधा इंच ऊपर दब जाएगा और नीचे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ले लेंगे। इसको हम ऐसे मोड़ कर यहाँ पर तुरपन कर देंगे तो हमें 5 इंच की तैयार बाजू मिल जाएगी। अब हम इसमें आगे निशान लगाते हैं। जो आगे बाजू की गोलाई होती है उसको हम आधा ले लेंगे। हमें 12 है तो हमने 6 इंच इसमें ले लिया है। अब हम इस साइड से, ये खुला साइड है, ये बंद साइड है, तो खुले साइड से हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसी निशान से हमको शेप देनी है। तो इस वाली साइड हमें शेप देनी है इस तरीके से, पत्ती की जिस तरीके से शेप दे देंगे हम इस तरीके से गोलाई देते हुए। यहाँ पे हमने इस तरीके से शेप दे दी है बाजू की, एकदम परफेक्ट शेप बन गई है। और आगे हमने 6 इंच लिया था, इसके ये मार्जिन लगाएंगे हम। 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है हमने। इधर मार्जिन हमने पहले ही ऐड कर लिया था, 8.5 इंच था। आधा 1.5 इंच मार्जिन लेके 10 इंच कर लिया था हमने। तो इसको हम जोड़ देंगे, इसको यहाँ से बिल्कुल लास्ट से हम जोड़ देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी बाजू का निशान लग गया है। इसको सीधा कर लेते हैं, लाइन को, टेढ़ी लाइन हो रही है थोड़ी। अब ये देखिए, बाजू का निशान बन गया है। इसको अब हम काट लेते हैं। इसी को हमने एक बाजू निकाली है, इसी को रखकर हम दूसरी बाजू भी काट लेंगे। अब हम इसको काट लेते हैं। ये हमने बाजू निकाल ली है। इस तरीके से इसको आगे से मोड़ देंगे, तुरपन कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे जैसा भी चाहेंगे। और ये देखिए, 5 इंच हमें तैयार बाजू मिल जाएगी। ये आधा इंच ऊपर मुड्ढे में दब जाएगा। तो अब इसमें हम आगे की छांट दे देते हैं। ये बाजू है, इसमें इस तरीके से एक तरफ को हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से शेप देनी है, छांट देनी है। ये छांट केवल आगे की तरफ देनी है, पीछे की तरफ नहीं देनी है। अब हम इसको अस्तर पे भी रख के काट लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी साइज़ की बाजू अपने चेस्ट का 1/4 पार्ट लेकर उसमें 1.5 इंच ऐड कर उसकी उतनी चौड़ाई लेके आराम से काट सकते हैं।